दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में कैसे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप नेट के अंदर फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर केयर नंबर हैं उसको यहाँ पे सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जब कॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको दोस्तों इस प्रकार से सुनाई देता है जैसे कि आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल नहीं लगता, तो अब मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप डायरेक्टली कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है या फिर फ्लिपकार्ट की जो ऐप है उसको ओपन करना है और उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले यदि आपने इसके अंदर लॉगिन नहीं किया तो सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो थ्री लाइन दिखाई दे रही है आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर आपको मिलता है हेल्प सेंटर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको वापस नीचे आना है और अब दोस्तों आप किस प्रकार की हेल्प चाहते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग हेल्प चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक किया। उसके बाद हमें व्यू मोर पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर मिलते हैं अदर, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलता है, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले एक ऊपर ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है कॉल मी बैक, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी मैसेज है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेल्प, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने हेल्प लिखा। उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे 15 मिनट के अंदर कोई भी कॉल आ जाएगा जो कि कस्टमर केयर से आएगा। फिर आप कॉल करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप बता सकते हैं और उसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको मैं वीडियो के नीचे इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखा दे रहे हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो बेल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आपको मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब का बेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।